इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों ने इसराइल को दहला दिया है। हिजबुल्ला के हमलों से आए दिन इजरायली बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्ला के घातक हमलों से इसराइल को काफी नुकसान भी पहुंचा है। कमांडर फौज शुकुर की मौत के बाद से इसराइल पर होने वाले हमलों में तेजी आई है और इसके बदले की कार्रवाई के तहत हिजबुल्ला हर घंटे और हर दिन अपने हमलों में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में 300 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागकर हिजबुल्ला ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसे उसने कमांडर की मौत के बदले का हमला बताया था। और इसी कड़ी में इजरायली चैनल 12 ने रिपोर्ट किया है कि हिजबुल्ला की वायु रक्षा में एक ऐसा गठन शामिल है जिसका उद्देश्य उत्तरी कब्जे वाले क्षेत्रों में इसराइली वायुसेना की श्रेष्ठता को बढ़ावा देना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वायुसेना के अधिकारियों का ये मानना है कि हिजबुल्ला की बढ़ती वायु रक्षा क्षमताओं से खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही चैनल 12 ने इस बात का भी दावा किया है कि हिजबुल्ला ने ईरान से दर्जनों वायु रक्षा प्रणालियां प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, जिसमें कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलों से लेकर भारी प्लेटफॉर्म तक शामिल हैं, जिनका मकसद लेबनान में इजरायली वायुसेना द्वारा प्राप्त उड़ान की स्वतंत्रता को कम करना और इसराइल की हवाई श्रेष्ठता को कम करना है। इसके साथ ही चैनल ने दावा किया कि इन प्रणालियों को पहुंचाने में रूस का भी हाथ था और इसे चलाने की ट्रेनिंग को लेकर चैनल 12 ने बताया कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से जुड़े कुछ फोर्स के सदस्यों ने वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों के संचालन में विशेषज्ञता की और हिजबुल्ला के सदस्यों ने सीरिया और ईरान में भी इसका प्रशिक्षण लिया। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने अपने हालिया हमले में ड्रोन से इसराइल में गोलान हाइट्स पर सैनिकों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली सेना के 210वें गोलान डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया था जो सटीक निशाने पर लगा। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने अपने अलग अलग बयानों में कहा कि उसके लड़ाकों ने रुवैसत अल आलम और अल समाका की इजरायली साइटों के साथ साथ जारिट और डोवेव के बैरकों पर भी हमला किया, जो कि कामयाब साबित हुआ। इस बीच लेबनानी सैन्य सूत्रों ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली ड्रोन और युद्धक विमानों ने 4 लेबनानी सीमावर्ती कस्बों और गांवों पर 9 हमले किए, जिसमें से 9 घर नष्ट हो गए और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं।